नमस्कार राधे राधे, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि एकादशी के व्रत का क्या क्या नियम है, और इस नियम का अगर आप उपयोग नहीं करते हैं, अगर इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो जो है आपको कोई एकादशी व्रत रहकर कोई लाभ नहीं मिल सकता है। क्योंकि देखिए कुछ विधान होता है शास्त्रों के अनुसार, ऐसे तो एकादशी का बहुत सारे नियम हैं, अगर शास्त्रों की लेंगे तो नियम बहुत हैं, पर कुछ नियम ऐसे हैं जिनका हमें सदुपयोग करना चाहिए, जिसका पालन करना चाहिए। अगर पालन न करें तो ऐसा कुछ भी लाभ उससे होने वाला नहीं है। तो यह जानकारी देने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर क्लिक करिएगा, ताकि हर जानकारी आपको व्रत पूजा पाठ से जुड़ा हुआ मैं दे सकूं। अभी देखिए फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में 6 मार्च को एकादशी का व्रत किया जाएगा, जिसका मैंने वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो कितना क्या मुहूर्त है, क्या पूजा का विधान है, उसके बारे में आप सभी को जानने को मिल जाएगा उस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आप सभी को नियम के बारे में बताता हूँ कि देखिए एकादशी का क्या नियम होता है और इन नियमों का पालन करना चाहिए। जो पहला नियम है, तो एकादशी का व्रत रखने से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन ही लहसुन प्याज तामसी भोजन यानी मांस मदिरा का ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पहला नियम है। अगर आपके घर में ऐसा कोई करता भी है तो उसे करने से मना करना आपका दायित्व होता है, बाकी उसकी जिम्मेदारी है, पर आप स्वयं मत करिएगा। दूसरा नियम है, एकादशी के दिन कड़वा शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली गलौज नहीं देना चाहिए या मन के अंदर क्रोध नहीं उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा जो नियम इसका है, तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, एकादशी से एक दिन पहले ही चावल बंद कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही चावल बंद करने से उसका उत्तम लाभ होता है, और एकादशी का व्रत जिस दिन रखते हैं उस दिन भी घर में चावल ना बनाए तो ज़्यादा उत्तम होता है। उसके बाद जो आपका चौथा नियम है, वो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप दशमी तिथि के दिन अगर तुलसी का पत्ता तोड़ना भूल गए हैं, तो किसी दूसरे से भी भूल के भी मत तोड़वाइए, क्योंकि आप व्रत रखते हैं वही तुलसी का पत्ता आप जो है चढ़ाएंगे, तो इसलिए आप जो है तुलसी का पत्ता उस दिन मत स्वयं तोड़े, मत किसी को तोड़ने की आदेश आप आज्ञा करें। एक दिन पहले या दो दिन पहले तुलसी का पत्ता कभी बासी नहीं होता है, आप उसको रख सकते हैं, और थोड़ा सा मुलझुलाएगा भी अगर सूखेगा भी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो पांचवा नियम है, तो उस दिन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह नियम है कि हो सके तो सबसे ज़्यादा भगवान का कीर्तन करें, भगवान का ही स्मरण मन में करते रहें, भगवान का ही नाम लेते रहें, और फालतू चीज़ों में अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। तो आपको मैंने एकादशी के 5 नियम बताए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं, और शास्त्रों के अनुसार मानेंगे तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो कि हो सकता है कि आप लोग फॉलो न कर पाए, पर ये 5 नियम अगर आप नहीं अपनाते हैं, अगर इनका पालन नहीं करते हैं, तो एकादशी का जो है कोई महत्व नहीं होता है। इस दिन आप लोगों को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो आपको यह जानकारी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जाते जाते आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर क्लिक करिएगा। अगर यह वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को हमारे फॉलो करिएगा, और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो Facebook पे भी जाके आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, ताकि Facebook पे भी आपको ये सब सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। राधे राधे, नमस्कार, आप सभी को एकादशी व्रत का हार्दिक शुभकामनाएँ।